इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने के बाद आई सुनामी में अब तक 281 लोगों की मौत हो गई है और हजार से भी ज्यादा घायल हैं। इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रीट के तट पर शनिवार रात आई सुनामी ने भारी तबाही मचाई है और इसमें मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंडोनेशिया डिजास्टर एजेंसी के मुताबिक मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 281 तक पहुंच चुकी है। साथ ही हजार से भी ज्यादा लोग इस सुनामी में घायल हुए हैं और 28 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मरने वालों की संख्या में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल प्रभावित इलाके में राहत और बचाव एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं और यहां आपातकालीन सेवाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।